नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं अविंद भारत। फौजी और उसके पिता को दहेज हत्या के मामले को लेकर 7 साल की सजा रीवा के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा। हम आपको बता दें, 21 फरवरी 2011 को आरोपी अनिल कुमार पांडे जो फौज में था, उसने अपनी पत्नी को गोदाबाग स्थित घर में जला दिया था। पहले उसकी पत्नी पूनम पांडे को रीवा के अस्पताल ले जाया गया, बाद में जबलपुर के मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज चला, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने मामले की जांच की। आरोपी अनिल कुमार पांडे दहेज में मोटरसाइकिल को लेकर अपनी पत्नी को आए दिन परेशान करता था, उसे मारता पीटता था। इसमें उसके पिता रामनारायण पांडे और मां विमला पांडे के खिलाफ भी आरोप तय किया गया था। सुनवाई के बाद अनिल कुमार पांडे और उसके पिता रामनारायण पांडे को 7 साल की सजा रीवा में सुनाई गई। धारा 304B और 498 के तहत यह सजा सुनाई गई। हमने सरकारी वकील डीएन मिश्रा से बात की, आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। आरोपी अनिल कुमार पांडे, रामनारायण पांडे और विमला पांडे, ये अनिल कुमार पांडे आर्मी का कर्मचारी है और इसका जब विवाह हुआ तो विवाह के समय से ही इसके परिजन और ये स्वयं दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते रहे और पत्नी को प्रताड़ित करते रहे। परिजन कई बार इस बात पर आपस में बैठ के सुलह भी करा और प्रशासन ने भी कई बार इससे सुलह कराया और अंत में ये गोदाबाग में राजेश प्रसाद गुप्ता के मकान में किराए का कमरा लेकर के रहने लगे और ये लगातार माँ के पक्ष के लोगों से दहेज की मांग करता रहा, इसके परिजन भी करते रहे और ये 21/2/2011 को जब इसके परिजन मतलब लड़की के माता पिता दहेज की मांग को पूरा नहीं किए, तब इसने 21/2/2011 को राजेश प्रसाद गुप्ता जी का जो गोदाबाग में किराए का मकान लेके रखा था उस पर अपनी पत्नी को जला दिया, जला के मारने का प्रयास किया और इसके बाद उस किराए के मकान के बगल में मृतका पूनम पांडे की बहन और भाई भी रहकर पढ़ने का काम करते थे, उनको भी जानकारी हुई और संजय गांधी हॉस्पिटल में 21/2/2011 को ठीक और संजय गांधी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ से मृतका काफ़ी जल चुकी थी तो उसे जबलपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया और वहाँ पर उपचार के दौरान जबलपुर में इसका देहावसान हो गया, जहाँ पर जबलपुर में ही इसमें मर क्रमांक 6/11 कायम किया गया। और क्योंकि घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की थी, गोदाबाग की घटना है और विश्वविद्यालय थाना आता है, विश्वविद्यालय में मर्ग डायरी आई और उस पर जांच हुई तो जांच के दौरान पुलिस ने अपने यहाँ थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्रमांक 88/11 धारा 498, 304B, 120B, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया और इसको विवेचना में लिया। चालान विवेचना पूर्ण होने के बाद चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया गया और इसके बाद उपार्पण होकर के ये मामला माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर के शर्मा जी की अदालत में पेश किया गया, जिस पर पैरवी मेरे द्वारा की गई और अभियोजन की तरफ से 17 साक्षियों का परीक्षण माननीय न्यायालय में कराया गया, जिस पर अपराध प्रमाणित हुआ और इस पर मुलजिम अनिल कुमार पांडे जी को 304B और 498 में 7 वर्ष की सज़ा सुनाई और साथ में इसके पिता अनिल कुमार पांडे रामनारायण को भी सेम सज़ा से दंडित।